सुन रहे थे अंजुम रहमान की गजलें आज के इस खास 300वें एपिसोड में। आप जानते हैं कि एपिसोड ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक होना ही चाहिए और ऐतिहासिक होगा भी, क्योंकि आपका प्यार हमें इस कदर मिला है कि आपने बहुत खूब को उस मकाम तक पहुंचा दिया जो कि ख्वाब है, जो कि हकीकत में तब्दील किया है आप ही के प्यार ने और आप ही की मोहब्बत ने। और अंजुम रहमान जब यहां आए तो मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज कही थी कि मैं उनका एक ऐसा गीत सुनवाने वाला हूं जिसे सुन के आप झूमेंगे। मैं जानता हूं कि अंजुम रहमान की संजीदा शायरी आपने सुनी है, वो शेर सुने हैं जिनको सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो शेर सुने हैं जो एक तीर की तरह हृदय में जाकर चुभ जाते हैं, वो शेर सुने हैं जो आपके जहन में इस कदर घर कर जाते हैं कि आप बरसों तक नहीं भूलते, वो शेर सुने हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, वो शेर सुने हैं जो आपके दिलों में कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। लेकिन इनसे अलग अंजुम रहमान एक ऐसा गीत सुनाती है जो आपके चेहरों पर ऐसी ठहाके और ऐसी हंसी लेके आएगा, आप कहेंगे भाई अंजुम रहमान का ये रूप भी है तो क्यों ना हो जाए 300वें एपिसोड में वो रूप जो आपने आज तक नहीं देखा। अंजुम जी का एक खास गीत अंजुम जी के। बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक मैं अपने छोटे भाई की बात नहीं टालूंगी और चार मिसरे पढ़कर वो गीत सुनाती हूँ। जी यकीन मानिए, बस ऐसे ही मैंने गीत लिख दिया था, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे ज़्यादा मशहूर हुआ ये गीत। जी अब बाकी आप सब सुनेंगे तो फिर मुझे दुआएं दीजिएगा। मैं चार मिसरे इस गीत से पहले इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि चाहती हूँ कि अपनी सांसों में मेरी आवाज़ को बसा लेना। चाहती हूँ कि मैं अपनी सांसों में मेरी आवाज को बसा लेना, याद जब भी कभी मेरी आए तो मेरे गीत गुनगुना लेना। वाह वाह वाह। एक सच्चा और अच्छा गीत प्रतीकों के माध्यम से है। अब सोचें समझें, मैंने तस्वीरें बनाई हैं, बस करती हूँ। सो जाऊं तो वो दरवाजा, सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है, सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है, सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है, आधी रात को माइकल दारू मुखड़े से अंदाजा लगाया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूं। पहली तस्वीर, बाल बिखेरे आग चढ़ाए जैसे कोई हवा, बाल बिखेरे आग चढ़ाए जैसे कोई हवा, हाथ में एक रबड़ी का कुल्ला जेब में जैसी पौआ, हाथ में एक रबड़ी का कुल्ला जेब में जैसी पौआ, चुन्नू मुन्नू दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। अब दूसरी तस्वीर है जी। शब्दों के माध्यम से बनाने की कोशिश की है, बाल बिखेरे आग चढ़ाए जैसे कोई हवा, बाल बिखेरे आग चढ़ाए जैसे कोई हवा, हाथ में एक रबड़ी का कुल्हड़ जेब में देसी पौआ, चाहती हूँ उसने सत्यानाश किया है उसने इस जीवन का ढर्रा, सत्यानाश किया है उसने इस जीवन का ढर्रा, गर्दन दगो भी लेता है विस्की हो या ठर्रा, गर्दन दगो भी लेता है विस्की हो या ठर्रा, फुटपाथों के सड़े समोसे शौक से खाता है, दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। इस गीत का एक बंद आमतौर से मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन बहुत खूब पर जब मैं पढ़ रही हूँ तो एक अच्छा और सच्चा बंद भी सुनाऊँ। क्या बात। शायरी भी सुनाऊँ, अस करती हूँ। याद आता है देख के उसको देवदास का सीन, हाय हाय। याद आता
क्या मकसद था जी? मेरी क्या पीड़ा थी, मेरा क्या दर्द था। जहां जहां तक मेरा गीत पहुंचेगा सुनेगा। चाल है उसकी जैसे कोई सर पे धरती रख ले, चाल है उसकी जैसे कोई सर पे धरती रख ले, अपने ही कांधों पे जैसे अपनी अर्थी रख ले, अपने ही कांधों पे जैसे अपनी अर्थी रख ले। घर में वो आता है एक भूचाल आता है, आधी रात को नहीं शेष लगना चाहिए, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। और गीत का आखिर बंद सच मानिए मैंने अपने माइकल के लिए लिखा है, लोग गलतफहमी का शिकार ना हो उनसे माफी चाहती हूँ। पीने वालों की टोली में हर गीदड़ है शेरू, पीने वालों की टोली में हर गीदड़ है शेरू, मेरा सीधा ज्यादा माइकल बन जाता है भैरू, मेरा सीधा ज्यादा माइकल बन जाता है भैरू। प्यार जताने वाला मुझको आप दिखाता है, ऐसे नहीं देखो आधी रात को माइकल दारू की जरूरत नहीं है कि इस वक्त आप घरों में बैठे क्या कर रहे हैं, बज रही है तालियां जो अब तक मुझे सुनाई दे रही है, तालियों का शोर। इतना शानदार एपिसोड, 300वां एपिसोड जो म्यूजिकल हमने किया, एक नया प्रयोग किया हमने, कविता और शायरी को जोड़ा वाद्यों के साथ, और जो प्रयोग आया है निखर के भाई वो कमाल है। आपके लिए, इन कवियों के लिए, बहुत खूब के लिए, और 300 एपिसोड के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं जानता हूं कि आप इंतजार कर रहे होंगे कि अब शैलेश जी किससे बात करेंगे। मैं जानता हूं कि हजारों लाखों लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें साहब, हमारे टेलीफोन भैया सबके घर तो नहीं पहुंच पाते। तो उठाइए अपना सेलफोन और टाइप कीजिए DAB स्पेस छोड़िए BK फिर स्पेस छोड़िए, लिखिए अपना नाम स्पेस छोड़िए, अपनी एज स्पेस छोड़िए, अपना टेलीफोन नंबर, और हमें भेज दीजिए 53636 पे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अपना सेलफोन उठाइए DAB स्पेस BK स्पेस अपना नाम स्पेस अपनी आयु स्पेस और अपना टेलीफोन नंबर और 53636 पे भेज दीजिए, फिर हो सकता है मैं आपके टेलीफोन नंबर तक पहुंच जाऊं और बात करूंगा आपसे। और जब मैं आपसे बात करूंगा आप कहेंगे कि भाई क्या बात है, आज शैलेश जी मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे भी बड़ी खुशी होगी जब मैं आप तक पहुंचूंगा। और आज निश्चित तौर पर मुझे खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है जब मैं आपके साथ, आपके सामने, आपके समक्ष लेके पहुंचा हूं 300वां एपिसोड। आपका प्यार इसी तरह बनाए रखिए, और हमेशा ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी अच्छा दिखे, जो कुछ भी सच्चा दिखे, जो कुछ भी अपना दिखे, जो कुछ भी पराया ना हो, जो कुछ भी आपके आसपास हो, जो कुछ भी आपके हृदय में अंतस में उतर जाए, जो कुछ भी आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे, जो कुछ भी ऐसा लगे कि जिसके लिए कहा जाना चाहिए, तो कहिए बहुत खूब। अगर आप भी बहुत खूब कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो देर किस बात की, अपनी CD या DVD बनाकर हमें इस पते पर भेज दें, या हमें ईमेल करें bahutkhoob@adhikaribrothers.com पर। आइए।